बाबा बागेश्वर या कह लीजिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमेशा ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों को बड़े बड़े संदेश देते नजर आए हैं। कई कार्यक्रमों से उन्होंने कहा है कि सनातन प्रेमियों जाग जाओ, अब बाहर आओ, अब जरूरत है सनातन को आगे करने की। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कई बार मांग की है और कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए हिंदुस्तान को। इसके अलावा हाल ही में बाबा बागेश्वर का एक बयान जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो भी आपको बता देते हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदू सनातन बोर्ड की मांग कर दी है। उन्होंने पूछा है कि अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुस्तान में हिंदू सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बाबा बागेश्वर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के कई हिस्सों में मंदिरों से लेकर पार्क तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे के दावे सामने आए हैं। चाहे हिमाचल ही देख लीजिए, इससे पहले उत्तराखंड देख लीजिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र अभियान का ऐलान तक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी अखंड भारत, तो कभी लव जिहाद, तो कभी लैंड जिहाद, कभी हिंदुओं को जगाने वाली क्रांति का संदेश अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले बाबा बागेश्वर धाम ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिससे वो देश भर में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। तो दूसरी तरफ मौलानाओं में खलबली मच गई है। ये बयान क्या है, इसके मायने क्या है और इस बयान को लेकर क्या चर्चा हो रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा का दरबार सजा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये सुन लीजिए। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के कई हिस्सों में मंदिरों से लेकर पार्क तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे के दावे सामने आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे। कई जगहों पर कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से संपत्तियों को छुड़ाया भी गया है। इसलिए अब बाबा बागेश्वर की मांग हिंदू सनातन बोर्ड बनाने की है ताकि मंदिर और हिंदू के जो तीर्थ स्थल हैं उन्हें सुरक्षा दी जा सके। दूसरी तरफ इस समय देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। बहुत से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो एक तबका ऐसा भी है जो इस बिल के विरोध में आया है, लेकिन अभी ये पूरा मामला जेपीसी के पास है। इस बीच बाबा ने एक नई मांग जो खड़ी कर दी है, अब उसकी भी चर्चा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने ऐसी कोई मांग की हो। पिछले काफी समय में हमने उन्हें देखा है कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर, सनातन को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं। पिछले काफी समय से हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और सनातन के मुद्दे पर बात करते रहे हैं और अब बाबा ने यह साफ कर दिया है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें करते हैं उसके पीछे उनकी एक सॉलिड प्लानिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को जगाने के लिए अगले 20 सालों में उन्हें क्या क्या काम करना है, उसकी ठोस कार्य योजना, उसकी प्लानिंग उन्होंने तैयार कर ली है और धीरे धीरे इस प्लानिंग को भी वो एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर माह में कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर भारत में क्रांति खड़ी करने की योजना बनाएंगे। अक्टूबर में दरबार तो लगेगा लेकिन कम समय के लिए लगेगा, हिंदुओं को जगाने का काम किया जाएगा और आने वाले 20 सालों में हम सभी को क्या करना है इसकी योजना बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी हिंदू हैं वो ऐसे बिल में घुसे बैठे हैं जैसे मानो सपेरा बाहर ही खड़ा हो। सांप के बिल में ऐसे छिपकर हिंदू बैठे हैं जैसे सपेरा या किसी मारने वाले के डर से सांप छिपकर बैठ जाता है। उन्होंने आह्वान किया, हिंदुओं जाग कर आगे आओ, अभी भी वक्त है। तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं और उनके कहने के पीछे के मायने क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उनके बयान को आपको सुनाते हैं। संयंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाले सभी रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रचने। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मांग
मांग ऐसे समय में किया है जब वक्फ कानून बिल को केंद्र सरकार 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज चुकी है। इससे पहले लोकसभा में इसे केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। चर्चा के दौरान उन्होंने बिल को जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा था। इस बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद गुट के, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएन, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया था। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं, कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को अपने तरीके से ही देखा जाए। और साथ ही कहा उन्होंने कि इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, अगर ये कानून में बदल जाता है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा और इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लग जाएगी। अगर ये बिल कानून में तब्दील हो जाता है तो क्या बदलाव होंगे, इसे समझिए। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और भोरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं और उसी के तर्ज पर ये बिल जो है लाया गया है। वक्फ जो है वो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतौली द्वारा किया जाता है। बता दें आपको कि इस देश में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9 लाख से भी ज्यादा एकड़ में फैली 8 लाख से भी ज्यादा संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोषिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। तो सोचिए कि अगर ये जो बिल है वो कानून में बदल जाता है तो क्या कुछ बदलाव होंगे। तो दूसरी तरफ ऐसे समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया है जब अभी फिलहाल ये जो पूरा मसला है ये जेपीसी के पास है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड के ही आधार पर हिंदू बोर्ड होना चाहिए ताकि जो हिंदुओं की संपत्ति है उनको भी सुरक्षा दी जा सके, लेकिन इस बयान पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे सही कह रहा है तो एक तबका ऐसा भी है जो गलत कह रहा है। आगे देखने होगा कि आखिर क्या क्या बदलाव होते हैं और इस बयान के बाद और कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं।